हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमन क्रिएटिव हैक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक एक्सटेंशन बोर्ड जो कि 4 सॉकेट एंड एक स्विच के साथ बनेगा। आखिर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए होगा MDF बोर्ड जो कि मैंने 4 सॉकेट और एक स्विच के साइज़ में कट करके रखा हुआ है और यहाँ पर होल कर लिया है क्योंकि हमने इसे एक बॉक्स में फिट करना है। अब इसके बाद आपको चाहिए होगा ये सॉकेट, ये एंकर कंपनी के मैंने सॉकेट लिए हैं। मेरे को 25 रुपये का एक सॉकेट पड़ा है, 25 रुपये का एक सॉकेट पड़ा, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के। मैं हमें 4 सॉकेट चाहिए होंगे, एक स्विच चाहिए होगा। आप अपने मर्जी के अनुसार कोई भी कंपनी का स्विच का और सॉकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर चाहिए होगा 3 प्लग कुछ इस तरीके का, और कुछ वायर चाहिए होगा। आपको कुछ हैवी वायर लेना होगा जिसे कि आप कूलर तक भी चला सकते हैं। ये मेरे को सिस्का का वायर लिया है 5 मीटर। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बोल्ट लेंगे स्क्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे सॉकेट और स्विचेस को हम लोग फिक्स कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो नट बोल्ट हमें मिलते हैं उनसे हम लोग इसे टाइट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे सॉकेट और स्विच को फिक्स कर लिया नट बोल्ट के द्वारा। अब चलिए फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह के छोटे वायर चाहिए होंगे, थोड़े हैवी, इस तरह से कटिंग वाले, जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, सॉकेट के फर्स्ट पिन से हम लोग दूसरे पिन में जोड़ना है और फिर वहीं से छोटा सा तार एक और लेना है और जहाँ पर हम लोग ने लास्ट वाले पिन को कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, फिर वहीं से आपको कनेक्ट कर देना है इस तरह से और यहाँ पर हमें इसे टाइट कर देना है। एंड फ्रेंड्स, अब यहाँ से फिर हम लोगों को यहाँ कनेक्ट करना है। एंड सेम थिंग, फिर यहाँ से हम लोगों को एक और वायर लेना है और इसे फिर कनेक्ट कर देना है। फ्रेंड्स, ये वाले जो हमारे बचे वायर के टुकड़े, इस वाले को हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने सॉकेट में कनेक्ट किया है वायर, यहाँ से फिर हम लोग मेन लाइन जहाँ से हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी लेंगे इसमें, वहां से एक मेन वायर में हम लोग कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग मेन वायर में अपना कनेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको फिर सेम थिंग करना है, यहाँ से आपको इसमें लेके जाना है और कनेक्ट करते चले जाना। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से हमें कनेक्ट करते चले जाना है जैसे कि मैंने इससे पहले वाले को कनेक्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे लास्ट वाले सॉकेट में हम लोग। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से एक और वायर निकलेगा जो कि हमें स्विच में जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ से जो वायर निकला हमारा एक स्विच में जाएगा इस तरीके से। मैं आपको सर्किट डायग्राम इसका दिखा दूंगा किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम है, किस तरह से इसके कनेक्शन हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा मेन लाइन है उसका एक ब्लैक वायर जो बचा हुआ है हमारा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, बट जो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कलर चेंज किया हूँ, तो इसमें जो ब्लैक कलर का वायर है मुझे स्विच में कनेक्ट कर देना है सीधा, एक सॉकेट में यहाँ पे और एक सॉकेट एक स्विच में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वुड का बॉक्स हमने बनाया है, घर पे मैंने बनाया है। आप चाहें तो इसे जाकर बाहर कटवा कर इस तरीके का डिज़ाइन दे सकते हैं। और इसमें हमें फिक्स करना है ये एक्सटेंशन बोर्ड का जो प्लग है सारे, इसमें हमें इसे फिक्स करना है इस तरीके से कुछ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जाके बाहर मार्केट से बना सकते हैं, वो 40-50 रुपये में बना देगा, बट आपके पास लकड़ी होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इसे फिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर जोड़ दिया स्विच में। ये दो मेन तार है जो कि हमें 220 वोल्ट में लगेंगे और यहाँ से हम लोग अपना आउटपुट लेंगे। तो इसका कनेक्शन डायग्राम मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स में फिक्स कर लेता हूँ।
तो कुछ इस तरीके का मैंने बॉक्स बनाया, आपको दिखाया था किस तरीके का बॉक्स बनाया मैंने, इसी में इसको फिट करना है। और यहाँ पर मैंने ड्रिल मशीन से होल कर लिया है खुद ही घर पे, जिससे कि मैं इसमें स्क्रू टाइट कर सकूँ। और इस वाले बोर्ड में भी मैंने होल कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से स्क्रू एंड बोल्ट से हम लोग इसे टाइट करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार है, और यहाँ पर सभी नट स्क्रू मैंने कस दिए हैं, और ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार है। और इसका जो हमारे वायर रखा है हमने, ये वाला, ये 5 मीटर रखा है, आप अपने अनुसार जितना लंबा चाहो उतना लंबा रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट प्रोसेस बाकी है, यहाँ पर हमें ये प्लग लगाना है 3 प्लग। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसे टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो रेडी है। अब चलिए मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैंने 220 वोल्ट मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर इसका स्विच है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, बहुत ही अच्छा बोर्ड हमारा बन के आया है। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे अपना ग्लू गन। फ्रेंड्स आप कोई भी नया चीज़ बनाते हो तो पहले उसमें स्विच काट के अपना तभी स्टार्ट करें कि कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ ग्लू गन लगाया है, ग्लू गन में एक इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि मेरा बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर जो है ग्लो कर रहा है, इसका मतलब मेरा ग्लो काम कर रहा है। फ्रेंड्स अब मैं आपको तीनों चारों सॉकेट को टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स वर्क कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स ये भी वर्क कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स ये भी वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये मेरा चारों बोर्ड सही है, चारों सॉकेट सही है, मेरे कनेक्शन सही है, और ये बोर्ड बहुत ही हैवी और अच्छा बना है। आप भी घर पे ऐसा बना सकते हो, और ये आपको रेगुलर यूज़ में भी काम देगा, डेली यूज़ में भी काम देगा। फ्रेंड्स इसका कॉर्ड जो है मैंने 15 मीटर रखा है, सॉरी 5 मीटर रखा है। तो आपको भी ऐसा बनाना है तो मेरे वीडियोस को देखते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब चलिए फ्रेंड्स इसका आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर जैसे कि मैंने 4 सॉकेट लगाया था, तो इस तरह से मैंने 4 सॉकेट का ड्राइंग ड्रॉ कर लिया है, 1, 2, 3, 4 एंड 1 स्विच है यहाँ पर, और सभी के पिन्स मैंने यहाँ पर दिखा दिए आपको। अब किस तरह से कनेक्ट करना है मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स ये जो लास्ट वाला सॉकेट है वहाँ से एक वायर निकलेगा लास्ट पिन से, और कनेक्ट होगा तीसरे वाले में इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स फिर यहाँ से एक वायर निकलेगा, और ये जाके कनेक्ट होगा हमारा ये दूसरे वाले सॉकेट में, एंड यहाँ से कनेक्ट होगा हमारा तीसरे वाले सॉकेट में। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे दूसरे वाले पिन से भी यही करना है, यहाँ से इसे इस तरह से कनेक्ट करना है, और यहाँ से एक और वायर निकलेगा और यहाँ कनेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। एंड फ्रेंड फिर यहाँ से हमारा जो वायर निकलेगा एक, एंड फ्रेंड्स फिर यहाँ से हमारा जो है सेकंड पिन से फर्स्ट सॉकेट के सेकंड पिन में जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड फ्रेंड्स जो हमारा जो है अब 220 वोल्ट का मेन वायर का कनेक्शन एंड स्विच का कनेक्शन बच गया। तो फ्रेंड्स यहाँ जो फर्स्ट सॉकेट का हमने जो है फर्स्ट पिन में वायर कनेक्ट किया था वहाँ से एक वायर निकलेगा, ये 220 वोल्ट वाला होगा। एंड फ्रेंड्स जो हमने सेकंड पिन से कनेक्ट किया था ये जाएगा एक स्विच में कुछ इस तरीके से, और एक स्विच से वायर निकलेगा जो कि 220 वोल्ट का होगा, और ये हमारा जाएगा मेन लाइन में घर के लाइन में जाएगा। तो कुछ यही था सर्किट डायग्राम इस बोर्ड का।